मैं हूँ आपकी अपनी यांशी। बहुत ही जल्द मैं अपने मम्मी पापा के पास आने वाली हूँ। मम्मी पापा कितने एक्साइटेड है मुझे अपने पास बुलाने के लिए, कितने खुश है। बस 1 मिनट और आने वाली हूँ आपके पास। ये देखो मैं आ गई मम्मा। मम्मा पापा कितने खुश है मुझे देख के। मेरे छोटे छोटे हाल अब मेरा स्वागत करेंगे घर पे। मैं अपने नानी के घर पे जाने वाली हूँ। हाँ मेरा नानी का घर कितना फूलों से सजा रखा है। देखो मैं इस घर में जाने वाली हूँ। कितना अच्छा सजा रखा मेरे भाई बहन मेरे मासी ने। बलून्स गुब्बारे कितना अच्छा सजा रखा है। मेरे नानी का घर है ये मेरा। मेरी मम्मी मेरा स्वागत करेगी। मेरे पैर से अपने घर को रोशन करूंगी मैं। मासी मेरी आरती उतार रही है, मेरी क्यूट सी मासी। मम्मा का भी स्वागत करोगे आप? हाँ मासी, मम्मा का मेरा दोनों का स्वागत करोगे आप मासी जी? पापा देखो चुप चुप के देख रहे भी जी। पापा आपका स्वागत नहीं करेगी मेरी मासी, सिर्फ मम्मा और मेरा ही करेगी। आप देखते रहो बस, क्योंकि ये मेरे नानी का घर है, आपका घर नहीं है। अब मेरे छोटे छोटे पैरों से मैं अंदर आने वाली हूँ। मासी जी हटो हटो, मैं अंदर आ रही हूँ अब। ये ना कंकू से मेरे पैरों को, कंकू से मेरा स्वागत कर रही है मम्मी और मासी। लेकिन नानी तो मना कर रही है कि नहीं नहीं बहुत ठंड है, इतनी सी छोटे छोटे पाँव को ठंड लग जाएगी, मत करो। लेकिन मेरी मम्मा और मासी आज के जमाने की ठहरी नहीं, हम तो स्वागत करेंगे मेरी बच्ची का। अब मैं अंदर जा रही हूँ अपने नन्हे नन्हे पैरों से। मम्मा लेके आ रही है अपनी गोदी में मेरे को। ये देखो मम्मा ने लिया, अब मुझे प्यार से अंदर लेके जाएंगे। मम्मा इतनी वीक क्यों लग रही है पता नहीं, लेकिन बहुत वीक लग रही है। ये देखो मैं 10 दिन की हो गई आज। कितनी क्यूट लग रही हूँ ना, आप तो नहीं बोलोगे पर मैं तो लग रही हूँ क्यूट। इतना तो मुझे पता है कि बच्चे होते क्यूट है। बस थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही है। मम्मा कान में बोल रही थी पूजा करेगी, पता नहीं कैसी सूरज पूजा करेगी। चलो देखते हैं, मम्मा इतनी तैयार हुई कुछ तो स्पेशल होगा आज, देखते हैं। भैया हटो हटो मुझे बैठना है, हटो आप, ये मेरी जगह है भैया, हटो हटो ना। अब मैं बैठूंगी, मम्मा ने बोला, पर स्पेशल जगह पे बैठेंगे। मैं यहाँ पे बैठती हूँ। पता नहीं मम्मा मामी सब क्या कर रहे हैं आज। नानी मम्मी मासी पूजा करे बोला था, आज पूजा करेंगे तेरी, क्योंकि तू हमारे घर पे पड़ी है ना, सबसे स्पेशल बच्ची है, इसलिए तेरी पूजा करेंगे। भगवान से आशीर्वाद भी तो ले लेना जरूरी होता है, इसलिए हम सब पूजा करेंगे तेरी। मम्मा ये दीपक क्यों लगाया, बताओ बताओ मुझे बताओ। मम्मा तो मुझे कुछ बताती नहीं है, बस देख देख के सबको देखे जा रही हूँ, क्या हो रहा है इधर, क्या नहीं हो रहा है। मम्मा आपके हाथ में ये धागा क्यों बांधा जा रहा है, मुझे तो कोई बताओ हो क्या रहा है। पता नहीं सब चुप है, बस कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बिंदी लगाई मामा को, क्यों मुझे कौन लगाएगा। अरे अरे मामी इधर देखो, मम्मा राउंड एंड राउंड करे जा रही है। इसका क्या मतलब है, ये तो फिर बड़ी होंगी तभी पता चलेगा। सब पूछूंगी मेरी मम्मा को, एक एक हिसाब लूंगी कि हो क्या रहा था मेरे साथ राउंड एंड राउंड। अच्छा मम्मा आप मेरे साथ राउंड एंड राउंड खेल रहे हो, कोई नहीं मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है गोदी में राउंड एंड राउंड खेलने का। मासी मासी ने मेरे हाथों को क्या किया, लो मासी तो बस अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई है। बस मेरे हाथों की और पैरों की तो नन्हे नन्हे पैर है ना मासी, खुश होगी मासी तो। मैं अब हो गई हूँ 1 महीने की। देखो सब लोग हंसा रहे हैं मेरे को, ये मेरी छोटी सी बहन भी वीडियो बनाने में लग गई। मेरी बहन मेरे से कितना प्यार करती है, सारा दिन मुझे लेके बैठी रहती है। मैं सो रही हूँ फिर भी मेरा ख्याल रख रही है। मैं तो 2 मंथ की होने वाली हूँ। दीदी और मम्मा तो मेरे फोटो खींचने में शुरू है, वो व्यस्त है बस।
पता नहीं अब मेरा फोटोशूट होगा इसलिए शायद ये स्पेशल बना रहे हैं। ये देखो मैं 1 मंथ की हो गई। ये ड्रेस किसने लाई? जो भी लाई पर लग पड़ी रही हूँ मैं एकदम, है ना। आई ये केक काश में खा सकती है छोटा सा केक, लेकिन अभी तक तो नहीं। अब मैं 2 मंथ की होने वाली हूँ। मम्मा ने मुझे कृष्ण भगवान बना दिया। मेरी मम्मा अभी ना कहाँ से लाती है ऐसे दिमाग। लग रही हूँ ना एकदम कृष्ण भगवान जैसी। यांशी, बस यांशी नाम आ गया, वरना हूँ तो मैं कृष्ण भगवान जैसी। देखो मम्मा ने क्या कहाँ से लाए होंगे ऐसे कपड़े। कितनी क्यूट लग रही हूँ ना, अब मैं 3 मंथ की होने वाली हूँ। हाय, क्यूट सी प्रिंसेस सी फ्रॉक पहनाई मेरी मम्मा ने, पर ये क्या लिखा है? 3 3 कैसे लिखा है वो नहीं पता, लेकिन लग बहुत प्यारी ले रही हूँ मैं। आप ही बताओ गाइस, लग रही हूँ ना एकदम प्रिंसेस की तरह। फ्रॉक में रंग बिरंगी पिंक एंड वाइट एंड येलो भी है शायद। मम्मा ने पास में लाइटें लगा रखी है सतरंगी की तरह ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब मैं 4 मंथ की होने वाली हूँ। 4 मंथ की हो गई, लगता है बहुत ठंड पड़ रही है इसलिए मेरी मम्मा ने इतना सारा पहना रखा है, सेंटा बना रखा है। ऐसे सेंटा का दिन तो नहीं है आज, लग तो ऐसे ही रहा है। ऊपर क्या बनाया मेरी मम्मा ने? ओ बादल, सूज रखे, और ये क्या, ओ ट्री भी बनाया मम्मा ने। मम्मा कितनी मेहनत करती है मेरे ऊपर, हुई मैं इतनी प्यारी तो मेरी मम्मा तो मेहनत करेगी ही, माँ से भी साथ में करती है। ये भैया और दीदी कर क्या रहे लाइट लगा के, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं हंस भी नहीं सकती क्योंकि मम्मा ने मना किया फोटो खराब हो जाएगा। अब मैं 5 मंथ की होने वाली हूँ। ये देखो हो गया ना मैं 5 मंथ, 5 मंथ की होगी, लेकिन सब बोलते हैं मैं शैतान हूँ, आपको मैं शैतान लगती हूँ क्या? देखो कितनी एकदम सीधी साधी भोली, फिर भी पता नहीं क्यों सब शैतान बोलते हैं। ओ मेरी मम्मा ने ये क्या लाया है? पतंग, पतंग, वाह। लेकिन मम्मा मैं उड़ाऊँ कैसे, मैं तो चल भी नहीं सकती, लेकिन मैं बड़ी होके जरूर उड़ाऊंगी, आप संभाल के रखना पतंग, ओके मेरी मम्मा। हाँ रंग बिरंगी पतंग, ये सबको देख के तो मैं पागल सी हो गई, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, चलो अपने पैरों से खेलती हूँ। मम्मा पतंग मेरे को दे दो, मैं उड़ाने जा रही हूँ, मैंने 2 पतंगे फाड़े, मम्मा एक और दे दो ना वरना अपने पैर को खा जाऊंगी मैं, मम्मा दे दो ना। थैंक यू वॉच, प्लीज सब्सक्राइब यांशी भाटी।